तब राहुल बाबा ने पूरे देश की यात्रा करी, बाद में ये तीन राज्यों के चुनाव आए, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। राहुल बाबा नहीं समझेंगे, विदेश जाते हैं, विदेश जाकर देश की बुराई करते हैं। उस प्रधानमंत्री जी को एक कांग्रेस वाले कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। भाई, आपके कहने से कुछ नहीं होता, जितना भी गाली निकालोगे कमल उतना ही ज्यादा जोर से खिलकर बाहर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही गृह मंत्री ने ये भी कहा कि किसी जमाने में नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहां कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, अब राहुल बाबा ने पूरे देश की यात्रा करी, बाद में ये तीन राज्यों के चुनाव आए, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती। मगर राहुल बाबा नहीं समझेंगे, विदेश जाते हैं, विदेश जाकर देश की बुराई करते हैं। मुझे बताओ असम वालों, डिब्रूगढ़ वालों, देश के किसी भी देशभक्त नागरिक ने विदेश में जाकर देश की बुराई करनी चाहिए क्या? बताओ जरा, करनी चाहिए? जोर से बोलिए, करनी चाहिए? राहुल बाबा, अभी भी समझ जाओ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हुआ है, यही रास्ते पर चले तो देश भर में सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में भारत को यश दिलाया, भारत को सुरक्षित किया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर से आतंकवाद को समाप्त कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में 50 से ज्यादा बार आकर नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति दी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अनेक प्रकार की योजना लेकर आए, उस प्रधानमंत्री जी को एक कांग्रेस वाले कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। भाई, आपके कहने से कुछ नहीं होता, 130 करोड़ की देश की जनता और मेरे सभी आसाम वासी दिन रात मोदी जी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जितना भी आप मोदी जी को गाली निकालोगे, मैं आपको कहने आया हूं, आपकी माता जी ने भी ये कर देख लिया राहुल बाबा, जितना भी गाली निकालोगे कमल उतना ही ज्यादा जोर से खिलकर बाहर।